हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे छोटे से उपाय की जिसको करके माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर बरसती है और अच्छा अच्छा आदमी होता है, जो दरिद्र होता है, पैसों की तकलीफ़ होती है। कहते हैं कंगाल को भी माला माल करने वाला उपाय है। कहते हैं जमकर धन बरसता है, पैसा बरसता है, सुख बरसता है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस जगह से कनेक्ट करना है जहाँ से हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट करते हैं। बाहर की दुनिया से घर में बैठकर हमारा कनेक्शन कैसे बनता है, तो इंटरनेट को छोड़कर बतलाना है आपको। प्रैक्टिकल दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, वर्चुअल वर्ल्ड की नहीं बात कर रही। घर के प्रवेश द्वार से बाहर से आते वक्त या बाहर जाते वक्त मुख्य द्वार से ही होकर गुजरना पड़ता है। और सिर्फ हम ही नहीं, माता लक्ष्मी के लिए भी, जब दिवाली हो, होली हो, कभी भी हम बनाते कोई भी बड़ा त्यौहार हो, अक्षय तृतीया आदि हो, तो हम हमारे घर के मुख्य द्वार पर माता के चरण चिन्ह बनाते हैं ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर पर प्रवेश कर जाए। और सिर्फ लक्ष्मी माई नहीं, उनकी बहन दरिद्रा भी इसी द्वार से हमारे घर में प्रवेश करती है। सभी तरह का किया धरा हो, नकारात्मक ऊर्जा, अच्छा दरिद्रा में नहीं, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं, नेगेटिव चीज़ें भी, जैसे सभी तरह का किया धरा हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, सभी इस द्वार से ही हमारे घर में प्रवेश करते हैं। और हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है वो धन धान्य, आरोग्यता, यश, मान सम्मान, सद्भाव, प्रेम भाव, कलेश, सभी का कारक होता है और हमारे जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा को भी घर में लेकर के आता है। कहते हैं ना, जिस प्रकार कोई भी चीज़ शरीर में अगर प्रवेश करती है, उसको प्रविष्ट करने का जो मार्ग होता है वो मुख होता है। इसी तरह से किसी भी प्रकार जो भवन का जो मुख होता है वो उसका प्रवेश द्वार होता है। गृह के मुख्य द्वार को शास्त्र में गृह मुख माना गया है और ये परिवार और गृह स्वामी की शालीनता, समृद्धि, विशुद्धता, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमेशा मुख्य द्वार को ध्यान रखना चाहिए, उसकी अपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको सदा वृहद करके, सुसज्जित करके, सुंदर से सजा करके और छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए। घर का मुख्य द्वार अगर उसकी वजह से वास्तु दोष हो या उसका रंग खराब हो, टूटा फूटा हो या कोई प्रकार की गलत एनर्जी वहाँ डाली गई हो, तो इन सभी का बुरा प्रभाव उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है, विशेष रूप से जो घर का मालिक होता है, घर की स्त्री होती है, उसके ऊपर पड़ता है। घर के मुख्य दरवाजे का रंग क्या हो, इसका भी असर बहुत पड़ता है। जैसे काले रंग का नहीं होना चाहिए, घर का मुख्य दरवाजा दूसरों दरवाजों से बड़ा होना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आर्थिक परेशानियां आती है, धन की लगातार हानि होने लगती है। घर के मुख्य दरवाजे से कभी किसी तरह की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। कई घरों में क्री क्री करके आवाज़ आती है, ऐसा नहीं, उसमें तेल आदि डाल करके रखिए, समय समय पर उसकी उचित देखभाल करनी चाहिए, रख रखाव का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा लोगों के घर का मुख्य द्वार अच्छा होता है अगर, तो उनका इम्प्रेशन दूसरों पर अच्छा पड़ता है। सीधी सी बात है, जिस प्रकार हम इंसान का चेहरा देखकर उसके शरीर की पहचान होती है, उसी तरह से किसी भी घर के मुख्य द्वार को देख करके उसके घर के सदस्य, उनके वहाँ रहन सहन, उनका स्वभाव, उनका रवैया, उनका करियर और उनके सक्सेस के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। अगर किसी के प्रवेश द्वार की स्थिति शास्त्र सम्मत होती है तो उसमें रहने वालों का स्वास्थ्य, समृद्धि सब अच्छा रहता है, और अगर गलत होती है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पौराणिक संस्कृति में क्या बताते थे हम, इससे कहते थे कि हमारे मुख्य द्वार पर कलश रखिए, नारियल रखिए, पुष्प से सजाइए, अशोक के पत्तों से सजाइए, केले के पत्तों से सजाइए, सुंदर सुंदर चिन्ह बनाइए, आपके जो धार्मिक चिन्ह है, स्वास्तिक आदि, उन चित्रों से आपको सुसज्जित करना चाहिए। उसमें जो जीवन का भोग था, विलासिता थी, उसके बीच में लोग अपने घरों की जो दहरीज है या अपने घरों का जो मेन डोर है उसको सजाना कहीं ना कहीं भूल गए थे। लेकिन आपको मुझे लगता है कि वापस से आज का युवा इन चीज़ों का साइंटिफिक महत्व समझ रहा है और वापस से इन चीज़ों को फॉलो करने लगा है। आप और मैं इसको मिलकर इस प्रथा को आगे बढ़ाते हैं। इससे क्या होगा, एक तो सदस्यों में शुभ और उत्तम संस्कार होते हैं और दूसरा हमारे घर से निगेटिविटी भी दूर रहती है। मुख्य द्वार हमेशा ध्यान करके रखना चाहिए, उस मुख्य द्वार के सामने कोई द्वार भेद भी नहीं होना चाहिए। द्वार भेद में कुआं हो, चौराहा हो, गटर हो, तालाब हो, मकान हो, मकान का कोई कोना हो, सीढ़ियाँ हो, बड़ा वृक्ष हो, कोई खंबा हो, इस तरह की चीज़ अगर सामने होती है, या कोई गाय बकरी या कोई जानवर भी मुख्य द्वार के सामने बंधा हुआ, ये भी अच्छा नहीं होता। ये सभी द्वार भेद माने
बनाने गए हैं और कोई बड़े पेड़ की पीपल आदि की छाया भी, वृक्ष की छाया भी आपके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। किसी मंदिर की जो ध्वजा होती है उसकी छाया भी अच्छी नहीं मानी जाती है। और आपके मुख्य द्वार पर चार भुजाओं की चौखट वाला मेन गेट होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मेन गेट को राउंड बनवाते हैं, ये प्रेफरेबल नहीं होता है। चार भुजा वाली चौखट आपके गेट पर ज़रूर होनी चाहिए। कहते हैं कि जिस भवन में चौखट या दहलीज ना हो उसे बड़ा अशुभ माना जाता है, और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश ही नहीं करती जहाँ पर प्रवेश द्वार पर चौखट ना हो। ऐसे घर के सदस्य संस्कारहीन हो जाते हैं। और इसकी दूसरी ज़रूरी बात यह है कि इससे भवन में गंदगी भी कम प्रवेश करती। जब चौखट होती है ऊँची ऊँची तो बाहर का जो गंदगी होता है वो घर में प्रवेश नहीं करता है, और गंदगी के साथ क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा आती है। कोई शत्रु भी वो छेद में से कुछ डाल के आपके यहाँ जा सकता है, कोई भी नीच कर्म है वो आपके भवन में प्रवेश नहीं करते अगर आपके घर पर चौखट होता है। इसीलिए जो चौखट है या जिसे हम दहलीज भी कहते हैं वो पुराने समय से हमारे संस्कार और हमारे जीवन शैली का एक प्रमुख अंग रही है। सबसे पहले मैं हमेशा बताती हूँ सुबह सुबह उठ करके आपको अपने मुख्य द्वार को साफ करके सबसे पहले दहलीज पर हल्दी का जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होता है, रात में वहाँ पे जितनी दूषित ऊर्जा एकत्रित हो जाती है वो सब दूर हो जाती है, घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, और माता लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। घर का प्रवेश द्वार कभी भी सूना भी नहीं रखना चाहिए, ऐसे में भी सुख समृद्धि में कमी आती है। हमेशा सुंदर सुंदर चिन्हों से उसको सजा के रखें, ओम हो, त्रिशूल हो, स्वस्तिक हो, शुभ लाभ हो, और इस तरह से आपको उसको सजावट करके रखनी चाहिए। रंगोली बना करके रखें सामर्थ्य के अनुसार हो सके तो, क्योंकि रंगोली से माता लक्ष्मी आकृष्ट होती है, आपकी तरफ खिंची चली आती है, और साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं करती है। रोज़ रोज़ रंगोली लगाना पॉसिबल ना हो तो कभी कभी बड़े त्योहारों पर लगाइए। तोरण ज़रूर बांधें, तोरण आम का, अशोक के पत्तों का। जिस घर के लोग चाहते हैं कि हमेशा विजय की प्राप्ति हो तो आपको अशोक के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। ऐसे आम के पत्ते, पान के पत्ते, पीपल के पत्ते, इसका भी आप तोरण लगा सकते हैं, या फिर जो रेडीमेड कांच वाले तोरण आते हैं सुंदर सुंदर मोतियों वाले, वो भी लगा सकते हैं। कहते हैं घर में अगर तोरण बंधा हो तो सभी देवी देवता आपके जो घर के कार्य होते हैं वो निर्विघ्न रूप से देवी देवता संपन्न करा करके मंगल को प्रदान करते हैं। और आज हम मेन रूप से बात करें घर के दहलीज की या घर के चौखट की। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर कभी कभी, जब मैंने बताया घर का मुख्य द्वार निर्देशों के अनुसार नहीं होता है तो ऐसे द्वार को हम शुभ फलदायी नहीं मानते हैं। ये टाइम और प्रॉब्लम हो जाता है जब हम स्पेशली रेंट के घरों में रहते हैं या मकान बन चुका है, अब हम तोड़ फोड़ नहीं करा सकते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि दहलीज पर उपाय कि हमारे घर में कोई नेगेटिविटी ना आए। सबसे पहले जाने कि किस दिशा में द्वार होने पर वास्तु दोष आता है और दूर करने के लिए दहलीज पर आपको क्या उपाय करना है। जान लेते हैं पश्चिम दिशा में अगर द्वार दोष उत्पन्न होता है तो रविवार के दिन आपको, यानी संडे के दिन आपको उपाय करना है। संडे को जब सूर्य उदय होगा तो उससे पहले ही आपको दरवाजे के सामने नारियल के साथ कुछ सिक्के रख करके कोई कच्ची मिट्टी में एक पॉट रख दीजिए और उसमें दबाकर अपने दरवाजे के सामने दहलीज पर रख सकते हैं। आपकी दहलीज अगर कच्ची है, कहीं कच्ची मिट्टी है तो वहाँ पर भी आप इसको दबा सकते हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है कहीं पर गमला रख के दबाना या कुछ, तो आप लाल कपड़े में बांध कर उसको अपने मेन गेट पर लटका भी सकते हैं। आपको नियमित रूप से संडे के दिन सूर्य के मंत्रों का हवन करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, गायत्री मंत्र का हवन कर सकते हैं घर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। इससे आपका द्वार भेद या द्वार का दोष दूर होता है और धन संपत्ति का वास होता है, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर का दरवाज़ा पूरब दिशा की ओर है तो आपको ये कर्ज में डाल सकता है। तो आपको ये सोमवार के दिन एक उपाय करना चाहिए, अपने घर की दहलीज पर जो पांच मुखी रुद्राक्ष होती है इसको लेकर के आपको अपने घर के दरवाजे के बीचों बीच आपको लटकाना चाहिए। ध्यान रखें, पहले इसको 125,000 महामृत्युंजय मंत्र से आप किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा सिद्ध करवा लीजिए, किसी भी अच्छे संस्थान से, ज्योतिष से आप इसको सिद्धि कराइए ब्रह्मचारी पंडित जी के द्वारा, या खुद से भी आप चाहें तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 125,000 जप को करें और फिर इसे आप टांग दीजिए बीचों बीच अपने घर के सोमवार के दिन,
और ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस दिन घर में छोटा सा आप हवन कर लीजिए काले तिलों से और घी से। आप देखेंगे ये रुद्राक्ष आपके घर की सुरक्षा करेगा, आपके घर के सभी प्रकार के दोष दूर करेगा, काल से भी जो भी आपके कष्ट आ रहे होंगे काल की वजह से वो आपके घर से दूर हो जाएंगे और शिव जी की आराधना करने से आपके समस्त कार्यों में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं अगर घर में दक्षिण दिशा में दरवाजा हो, ये तो सभी को पता है दक्षिण दिशा का घर मतलब बहुत ही परेशानियों का घर, और ऐसे घर में लगातार परेशानियां आती ही आती रहती है। ऐसे घर में आपको सिद्ध करके गोमती चक्र, आपको 11 गोमती चक्र या 11 पीली कौड़ियां आपको इसमें बांधकर लटकाकर रखनी चाहिए। गुरुवार के दिन कीजिए, बुधवार के दिन कीजिए, किसी भी एकादशी को कीजिए, पूर्णिमा को कीजिए, अमावस्या को कीजिए और कोई शुभ तिथि है उसमें आप ये काम कीजिए और ध्यान रखें। ये जो होगे गोमती चक्र होंगे तो ये 88,000 जप से, और अगर आप पीली कौड़ियाँ टांग रहे हैं 1,25,000 लक्ष्मी जप से सिद्ध होनी चाहिए, अभिमंत्रित होनी चाहिए ब्रह्मचारी पंडित जी के द्वारा। इसके बाद ही इसको आपको घर की दहलीज पर रखना चाहिए। कैसे रखेंगे, घर की चौखट में दाहिनी साइड में आप इसे येल्लो कलर के रेशमी वस्त्र में बांध करके रखिए। आप देखिए कैसे चमत्कारिक रूप से आपके घर से दरिद्रता दूर होती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। जो लोगों ने भी दिवाली पे या कभी भी इसको होली पे सिद्ध करके ऑलरेडी लटका कर रखा है वो लोग को समय समय पर साल में कम से कम एक या दो बार इसे किसी बड़ी तिथि को स्नान आदि करा के जल से धो करके फिर फ्रेश करके कपड़े को बदल देना चाहिए, ये अच्छा रहता है। स्पेशली ग्रहण आदि के बाद आप ये काम को करें तो बहुत अच्छी बात है। बात कर लेते हैं अब घर में उत्तर दरवाजे की। उत्तर का दरवाज़ा यानी कुबेर का दरवाज़ा, खजाने का दरवाज़ा, गुडलक का दरवाज़ा, और उत्तर का दरवाज़ा सर्वोत्तम माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। कुबेर की दिशा है उत्तर दिशा, और यदि इस दिशा में आपके द्वार भेद है किसी तरह का या द्वार दोष है तो आपको भगवान विष्णु की आराधना नियमित करनी चाहिए और इसी तरह से 11 गोमती चक्र 88,000 जप करके आपको अभिमंत्रित करवा करके किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा वहाँ पर टांग के रखना चाहिए येल्लो कलर के रेशमी वस्त्र में। पीले फूलों से भी अक्सर अपने मुख्य द्वार को सजाते रहें, इससे भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वास्तु यंत्र होते हैं, रत्न होते हैं कई तरह के, अक्सर बताती रहती हूँ अलग अलग वीडियो में, आप इन वास्तु पूजा आदि कराकर इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें पॉसिबल ना हो तो घर बैठे एक छोटा सा उपाय कीजिए। टेम्पररी उपाय होता है पर काफ़ी दिनों तक आपको अक्सर बीच बीच में 2-3 महीने में रिपीट करना चाहिए उस उपाय को, वो है काली मिर्च से। और इन उपायों को अपना कर आप अपने प्रवेश द्वार को खुशियों का द्वार बना सकते हैं। जब हम मिर्च की बात करते हैं तो बहुत तरह की होती है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, सब अलग अलग ग्रह से संबंधित रखती है मिर्च। इनमें से सबसे उत्तम मानी जाती है काली मिर्च, क्योंकि एक तो स्वास्थ्य लाभ भी है, हाजमा ठीक रखती है। कभी कहते हैं कि जो लोग भी काली मिर्च खाते हैं उनको कभी कैंसर नहीं होता है, सर्दी जुकाम खांसी, यहाँ तक कि कोरोना में भी काली मिर्च मधु के साथ खाना चाहिए, ये भी लाभदायक होता है। मांसपेशियों का दर्द मिटता है, दांत सुरक्षित रहते हैं आपके। लेकिन जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो इसके उपाय और भी चमत्कारी हो जाते हैं। कहते हैं इस उपाय को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में रुके हुए सारे काम वापस से प्रारंभ होने लगते हैं। अगर अटकाव आ गया है, बाधाएं आ गई है, संकट आ गया है, अचानक से भाग्य रुक सा गया है, धन की कमी हो गई है, तो आपको ये छोटा सा आसान सा काली मिर्च का उपाय घर में करना चाहिए। ये कंगाल को भी माला माल बनाने की ताकत रखता है, इतनी स्ट्रांग होती है। सिंपल सी रसोई में हर घर में साबुत काली मिर्च आपको मिल ही जाएगी, नहीं भी मिलती है तो 2-4-5 रुपए की, 10 रुपए की आप मंगा लीजिए और दहलीज पर अपने घर का जो चौखट है या दहलीज है उसको आप उपाय कर लीजिए। आप देखेंगे ये आपके भाग्य को बदलने में बिल्कुल सक्षम होती है। सबसे पहली चीज़ आसान सी, घर से जब भी ज़रूरी काम के लिए निकल रहे, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, कोई ज़मीन जायदाद की डील हो, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी बिजनेस डीलिंग के लिए जा रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, किसी लड़का या लड़की को देखने जा रहे हैं किसी संबंध के लिए, या कोई भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं, कोई खास काम से निकल रहे हैं, तो घर से निकलने के पहले मुख्य दरवाजे पर आप 5-7 दाने हाथ में मुट्ठी में काली मिर्च लेके जाइए और वहाँ दहलीज पर रख दीजिए और बोले प्रभु सी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी को सलपुर राजा।
प्रभिसी नगर कीजे सबकाजा हृदय राखी कोसलपुर राजा, ऐसे बोलते हुए आपको वो रख देना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ होता है अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब काम मैं कर रहा हूँ। इसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और भगवान राम का ये मंत्र सुरक्षा कवच का आपके लिए काम करता है। अब आपको क्या करना, उसी काली मिर्च पर पैर रख करके जूते पहले पहन लें आप, ताकि उसको क्रश करते हुए अपने जूतों से दबा के पाँव से क्रश करते हुए आप घर से बाहर जाइए। अगर आप किसी को वश में करना चाहते, कोई आदमी आपकी बात नहीं मान रहा है, परेशान कर रहा है, उससे बात करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, तो शत्रु का नाम लेते हुए आपको क्रश करना चाहिए और तब आप दाहिना कदम पहले बढ़ाइए और सच्चे दिल से पूर्ण विश्वास से अपनी मेहनत करते हुए आपको अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। आप देखेंगे आप जिस काम के लिए गए हैं आप उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस विश्वास कायम करके अपने अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके मेहनत से काम कीजिए और ऐसा बोले कि नो वन कैन बीट मी, तो आप देखेंगे आपका काम हो, कंपटीशन हो, जो भी चीज़ हो, आपको पूर्ण ज़रूर होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस काम के निमित्त अगर आप एक बार घर से बाहर निकल गए तो दोबारा कोई भी भूली बिसरी चीज़ के लिए भी घर में प्रवेश वापस से मुड़ करके ना देखना है, ना आना है, ना प्रवेश करना है। यह आप समझ करके चलिएगा और अगर ऐसा करना पड़ा किसी कारणवश तो आपको दोबारा से उपाय करके वापस से निकलना चाहिए। दोस्तों कहते हैं मुड़ के देखने से, किसी से बातचीत करने से इस दौरान आपका प्रभाव खत्म हो जाता है। कई बार अक्सर लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि उनकी तरक्की नहीं हो रही, सक्सेस नहीं हो रहा, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, बनते बनते कई बार काम लास्ट मोमेंट पे आके अटक जाता है, तो इसका कारण भी आपके घर में मौजूद वास्तु दोष हो सकता है और इसके लिए भी आपको काली मिर्च का उपाय करना चाहिए। ज़बरदस्त उपयोगी उपाय है लेकिन 41 डेज तक लगातार करना है। जिन लोगों के घरों में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियां वास करती है उनको अपने घर के कोने में रोज शाम को 4 दीपक जलाना है। 41 डेज करना है, घी का जलाएं, बहुत अच्छी बात, तेल का जलाइए, सर्वश्रेष्ठ है, और काली मिर्च के थोड़े थोड़े दाने इसमें डाल दीजिए और काली मिर्च के दाने डालते वक्त बोलते जाएं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस तरह से बोलते हुए पूरे एक मंत्र को आप घर में घूम घूम करके बोलते जाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे अजीबोगरीब तरीके से आप खुद देखेंगे इतनी निगेटिविटी रहेगी पर एक 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 करके सारी बाधाएँ 41 डेज के अंदर आपकी पूरी छंट जाएगी, जैसे कोई बादल आपके घर से छंट गए हैं। और 5वां दीपक आपको मेन गेट पर जलाना है और हर शाम उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल करके दबा कर कोने में रख दीजिए, फिर अगले दिन उसको जला देना है। कैसे जलाना है, मुख्य द्वार वाला पहले समझ लीजिए, पहले दिन काली मिर्च को कॉर्नर में दबा दीजिए, अगले दिन उस काली मिर्च को आपको जलाना है, पहले दिन वाली काली मिर्च को, और फिर उस दिन आप नया काली मिर्च दबा करके रख दीजिए मेन गेट पर पे। इस तरह से आप एक तो देखेंगे धन की वृद्धि, दिन दुनी रात चौगनी आपकी उन्नति होगी, धन की वृद्धि होगी, साथ ही साथ हर प्रकार की नकारात्मकता घर से दूर होगी। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को नजर लग गई है या लगता है किसी ने बांध दिया है, अजीब सा बिहेव करते हैं, अजीब सा रिएक्ट करते हैं, तो काली मिर्च और लाल मिर्च लेकर के सिर से 7 बार घुमा दीजिए। 7 मिर्च जो साबुत वाली लाल मिर्च होती है, 7 वो लेनी है और साथ ही काली मिर्च आपको लेनी चाहिए और वो दोनों मिला करके आप जो भी पर्सन है उसके सिर से 7 बार घुमा दीजिए और जला दीजिए। इससे भी आपके घर से प्रॉब्लम्स दूर होती है। अगर आप कर्ज के बोझ के तले दब गए हैं तो काली मिर्च के 7-8 दाने लेकर के घर की दहलीज पर, जैसे मैंने बताया, कोने में दबा दीजिए। और 41 डेज क्या करना है, आज आपने दबाया पहला, तो कल से शाम से ये काली मिर्च आपको ले करके मेन गेट के पास से छुपा के रख दीजिए वहाँ पे, या तो डोरमैट के नीचे भी आप रख सकते हैं, और फिर उसको कल शाम को दीपक में डाल करके दिए के साथ जला देना है। इस तरह से 41 डेज आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर पैसा नहीं टिकता है आपके पास तो शुक्रवार के दिन एक लाल कपड़े में करीब करीब आप समझ लीजिए 50 दाने हो उतनी काली मिर्च लेकर के तिजोरी में रख दीजिए। इससे भी धन का खर्च रुकेगा और जिन लोगों को कुंडली में शनि दोष है उनको काले कपड़े में काली मिर्च और कुछ पैसे डाल करके एक पोटली नुमा बनानी चाहिए और इस पोटली को आपको शनिवार के दिन किसी को दान करनी चाहिए। पैसे में आप नोट ना डालें, कॉइन्स डालें, इस बात का ध्यान रखें।
इससे आपके जीवन से शनि दोष दूर होता है, नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। अच्छा, धन प्राप्ति के लिए कहा जाता है माला माल होने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। काली मिर्च से 5 दाने काली मिर्च के लेने हैं, अपने सिर से 7 बार घुमाना है और किसी चौराहे पर या सुनसान स्थान पर खड़े होकर के आपको चारों दिशा में 4 दाने फेंक देने हैं और ये सारे दाने बोलते हुए आप फेंकते हुए आपको बोलना है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस तरह से बोलते हुए आपको ये फेंकना और जो 5वां दाना रहेगा वो ऊपर आसमान की ओर उड़ा देना है आपको। आपको नहीं देखना है क्या चीज़ कहाँ गिर रही है, जस्ट फेंक देना है। इसके बाद घूम जाएं अपने घर की तरफ और बिना पीछे पलट कर देखें आपको वापस आ जाना है। इससे अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, आप सोचेंगे भी नहीं आपको पैसे कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसती है। ध्यान कर ले अमावस्या की रात्रि को ये उपाय करें, पूर्णिमा को कर सकते हैं, किसी भी आप शनिवार को कर सकते हैं। काली मिर्च के ये उपाय, ये दो जो रात्रियां होती है, मोहरात्रि, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, इस दिन करने से विशेष रूप से चमत्कारिक होते हैं। ओम क्लिम इस बीज मंत्र का जप करते हुए परिवार के सदस्यों के ऊपर से हर शनिवार को आप चाहें तो घुमा लीजिए थोड़ी सी काली मिर्च और दक्षिण दिशा में जला सके तो बहुत अच्छी बात, यमराज की जो दिशा होती है वहाँ जला सके तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो उस दिशा में फेंक दीजिए। ऐसा करके अगर किसी के आपके जीवन में, घर में, तरक्की के मार्ग में प्रॉब्लम्स आ रही है, बाधाएं आ रही है, तो वो दूर हो जाती है। ध्यान रखें जब भी ये उपाय आदि करते हैं इसके बाद आपको हाथ अपने ज़रूर अच्छे से धो लेने चाहिए। अच्छा, कुछ स्त्रियां पूछेंगी 41 डेज का उपाय है तो मैम हम पीरियड्स में कैसे करें, तो समझ लीजिए कि ये उपाय करने के लिए पीरियड्स इसमें कोई बाधा नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। हाँ, भगवान का अगर दीपक तेल आदि यूज़ कर रखे हैं तो आपको अलग से रखनी चाहिए, इसके लिए दिया तेल माचिस आदि अलग रखें, मिट्टी का छोटा दिया लें, बाद में उसको आप फेंक सकते हैं। और अगर आप एक बार स्टार्ट कर दिया आपने इस उपाय को तो बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जर्नी पे रहते हैं, टूर पे रहते हैं, बीच बीच में जाते रहते हैं, तो ध्यान रखें आपको अगर बीच में आपने छोड़ दिया है तो आ करके दोबारा से आपको ये उपाय स्टार्ट करना चाहिए। और इस उपाय को दोस्तों आप दूसरों को से शेयर ज़रूर कीजिए, सभी को बताइए ज़रूर कि हाँ मैंने ये उपाय किया, पूर्ण विश्वास से कि हाँ ये काम करेगा। लेकिन जब आप इस काम को कर रहे हैं तो गुप्त रखें, कोई आपको रोके टोके ना इस उपाय को करते वक्त, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बात को और ध्यान रखना है कि आपको सफाई प्रद रहना है, खुद भी साफ धुले हुए वस्त्र पहने होने हैं। ऐसा नहीं कि आपने सुबह स्नान किया है तो कोई बात नहीं, आप अभी भी हाथ मुंह धो करके, फ्रेश होकर के, बाल लीजिए, कंघी आदि करके, साफ वस्त्र आप पहन करके इस उपाय को कीजिए। शुद्धता रहे आपके स्वभाव में, आपके जो भी आपके जो आचरण है उसमें, आपके जो ड्रेसअप है उसमें, सभी में शुद्धता रहनी चाहिए। इतने दिन भी आप उपाय कर रहे हैं, विशेष रूप से आपको ध्यान करना है कि घर में कलेश आदि ना हो, एटलीस्ट आप ना करें। अगर आपके घर वाले कर भी रहे, हो सकते हैं बहुत, जब आप करेंगे एक बार उपाय बहुत तेज़ी से आपके घर में झंझट होने लगे, क्योंकि हो सकता है नकारात्मक ऊर्जा अगर स्ट्रांग होती है तो वो कोई भी आप पॉजिटिव चीज़ करने जाते हैं तो आपको रोकने की कोशिश करती है, और ज़्यादा ज़ोर से घर में झंझट आदि होते हैं, तो ऐसे में घबराना नहीं है, अपने आप नेगेटिविटी निकल जाएगी। आप बस हिम्मत करके इस उपाय को करते चले जाइए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जितना जप कर सकें वो कीजिए और बोलते जाए, काल हरो हर, कष्ट हरो हर, दुख हरो, दारिद्र हरो, नमामि शंकर, भजामि भोले बाबा, हरि हरि शंकर आप शरणम, इस आप शिव जी की प्रार्थना करते चले जाएं। आप देखेंगे दोस्तों पूर्ण विश्वास के साथ अगर शांतिपूर्ण ढंग से आप 41 डेज इस उपाय को कर लेते हैं रोज, और तो आप देखेंगे आपके रास्ते में अगर कोई भी बुराई आती है, कोई भी कांटा आता है, कोई भी बाधा आती है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है, वो अपने आप आपके जीवन से छटकर दूर चली जाती है। आपको उसके लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, सभी आपके घर के लोग सुरक्षित रहते हैं, हर प्रकार की दुर्घटना से मुक्त रहते हैं, सुख शांति का घर में वास होता है, और ऐसे घर में धन लक्ष्मी अपने आप प्रवेश करती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय मैंने बताया है आपको, तो अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी नेगेटिव एनर्जी की वजह से परेशान है, घर के वास्तु दोष से परेशान है और घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई है, वो सभी लोगों से आप इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।